सो हेलो गाइज़, फिर से स्वागत करते हैं नए एक वीडियो में। और आज के इस वीडियो मतलब बहुत ही खास होने वाला है, क्योंकि गाइज़ मैंने पिछले एक वीडियो बनाया था कि रिपोर्ट करके आप अकाउंट बैन कैसे करेंगे, और एक वीडियो में मैंने ये लाइव प्रूफ करके भी दिखाया कि रिपोर्ट करके आप किसी का भी फेसबुक अकाउंट जो है वो बैन कर सकते हैं। लेकिन गाइज आज मैं ये वीडियो में और एक तरीका दिखा रहा हूँ, एकदम नया तरीका है गाइज। इस तरीके के मैं ये आप लोगों को दिखाऊंगा कि रिपोर्ट करके आप कोई भी फेसबुक फेक अकाउंट को उस आईडी से आपको कोई ब्लैकमेल कर रहा है, जैसे कि कोई आपका फोटो लेके या आपका ईमेल लेके या आपका नेम लेके कोई आपको ब्लैकमेल करने की कोशिश कर रहा है और आपका जो इमेज है वो ख़राब कर रहा है। तो फिर आप ये ट्रिक जो है ये ट्रिक्स का उपयोग कर सकते हैं। ना करते हैं इस वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले गाइज आप लोगों को जो करना पड़ेगा, कोई भी एक ब्राउज़र ओपन कर लेना है, जैसे कि मैं क्रोम ब्राउज़र ओपन कर लेता हूँ गाइज। यहाँ पे मेरा क्रोम ब्राउज़र है, तो मैं क्रोम ब्राउज़र ओपन कर लेता हूँ। तो क्रोम ब्राउज़र ओपन करने के बाद गाइज आप लोगों के सामने मतलब इस तरह का एक पेज आ जाएगा। तो सबसे पहले गाइज आपको यहाँ पे सर्च करना है इंपोस्टर अकाउंट रिपोर्ट। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे जो लिखा है गाइज इंपोस्टर अकाउंट रिपोर्ट, तो ये आपको सर्च कर लेना है। तो ये सर्च कर लेने के बाद गाइज इस तरह का एक पेज आप लोगों के सामने ओपन हो जाएगा। तो जैसे कि गाइज पहले जो दो ऑप्शन यहाँ पे दिखा रहा है, रिपोर्ट एंड इंपोस्टर अकाउंट और रिपोर्ट एंड इंपोस्टर अकाउंट फेसबुक, दो ही सेम है। तो आपको कोई भी एक ओपन कर लेना है, जैसे कि मैं पहले वाला ओपन कर लेता हूँ। तो ये पहले वाला ओपन करने के बाद गाइज ये कुछ इस तरह का एक पेज ओपन हो जाएगा। तो अभी आपको जो करना है, यहाँ पे आपको कॉर्नर पे जाके ये वाला जो साइट है गाइज, ये साइट को आपको डेस्कटॉप सेट कर लेना है। तो मैं सबसे पहले गाइज ये डेस्कटॉप सेट कर लेता हूँ। तो डेस्कटॉप सेट करने के बाद गाइज ये आप लोग देख सकते हैं, मैं थोड़ा जूम करके आप लोगों को दिखाता हूँ। तो सबसे पहले गाइज यहाँ पे लिखा है समवन इज़ यूजिंग माई ईमेल एड्रेस ऑन देयर अकाउंट। तो इसका मतलब है गाइज आपका जो ईमेल एड्रेस है, आपका ईमेल एड्रेस कोई दूसरे बंदे ने उसके फेसबुक अकाउंट पर यूज़ कर रहा है। तो अगर आपके ये वाला प्रॉब्लम है तो आप ये वाला सेलेक्ट कर लेना। और दूसरा वाला लिखा है समवन क्रिएटेड एन अकाउंट फॉर माय बिजनेस और ऑर्गेनाइजेशन, मतलब दूसरे वाला जो लिखा है गाइस बिजनेस, मतलब आपको ही बिजनेस करते हो लेकिन आपका बिजनेस का जो नेम है उस नेम पे कोई दूसरा बंदा फेसबुक अकाउंट क्रिएट करके मतलब आपको ब्लैकमेल करने की कोशिश कर रहा है या वो फ़ायदा उठा रहा है, तो आप ये दूसरा वाला सिलेक्ट कर लेना, ठीक है। और तीसरे वाला यहाँ पे है समवन क्रिएटेड एन अकाउंट प्रिटेंडिंग टू बी मी और ए फ्रेंड, मतलब तीसरा वाला जो है गाइस कोई आपका नेम मतलब लेकर या आपका फोटो लेकर फेसबुक अकाउंट ओपन किया और आपका जो इमेज है गाइज वो सबके सामने ख़राब कर रहा है, ठीक है, उल्टा पुल्टा कर रहा है। तो आप ये मतलब तीसरा जो है गाइज ये तीसरा सिलेक्ट कर लेना। तो आज मैं वीडियो में गाइज ये तीसरा वाला जो है तीसरा वाला ही दिखा रहा हूँ। तो तीसरा वाला ओपन करने के बाद गाइज यहाँ पे आप लोगों के सामने दो ऑप्शन आ जाएगा, जैसे कि डू यू हैव ए फेसबुक अकाउंट, मतलब आपका कोई फेसबुक अकाउंट है, तो आपका तो फेसबुक अकाउंट है ही, तो यहाँ पे आपको यस कर देना है। लेकिन गाइज यहाँ पे जब आप यस करोगे तो यहाँ पे आपको कोई फॉर्म नहीं आएगा। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे कोई फॉर्म नहीं आएगा, तो मतलब मुझे भी पता है गाइस कि आपको फेसबुक अकाउंट है लेकिन फिर भी आपको यहाँ पे नो कर देना है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको नो कर देना है, तो मैं यहाँ पे नो कर दिया। तो नो करने के बाद गाइस यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे तीन और ऑप्शन आ गया। तो तीन ऑप्शन पे क्या क्या बोल रहे गाइस वो भी मैं बोल रहा हूँ कि अगर पहले वाला यहाँ पे बोल रहा है कि येस आई एम द पर्सन बींग इम्प्रेस मतलब इम्पर्सोनेटेड, ठीक है, मतलब इसका मतलब ये है कि आपके नाम पे फेसबुक अकाउंट क्रिएट किया, आपका इमेज यूज़ कर रहा है और आपका मतलब वो जो इमेज है वो इमेज ख़राब कर रहा है वो बंदा आप खुद है। तो अगर आप खुद है तो ये पहले वाला ऑप्शन सिलेक्ट कर लेना, लेकिन आप खुद नहीं है तो दूसरा वाला बोल रहा है नो बट आई एम द ऑथराइज्ड रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द पर्सन बींग इम्पर्सोनेटेड, ठीक है, मतलब दूसरा वाला जो यहाँ पे लिखा है गाइस दूसरा वाला, इसका मतलब है कि नहीं वो बंदा आप नहीं है लेकिन आपके नाम पे मतलब आपने वो आपका जो कोई फ्रेंड है उस फ्रेंड को आपने मदद किया था और इसके लिए आप खुद ब्लैकमेल हो रहे हैं, तो आपको ये दूसरा वाला ऑप्शन सिलेक्ट कर लेना है। सो गाइज ये हो गया दूसरा। और तीसरा ऑप्शन जो गाइज यहाँ पे है, तीसरा ऑप्शन का मतलब ये है कि नहीं वो आप नहीं है, आपका फ्रेंड है और आपका फ्रेंड को ब्लैकमेल कर रहा है कोई, मतलब आपके फ्रेंड का इमेज और नाम लेके, तो आपको ये तीसरा वाला सिलेक्ट कर लेना है। लेकिन मेरा वाला जो है गाइज मेरा वाला पहला वाला है, तो मैं पहले वाला सिलेक्ट कर लेता हूँ। तो पहले वाला सिलेक्ट करने के बाद गाइज यहाँ पे आप लोगों के सामने कुछ इस तरह का एक फॉर्म आ जाएगा। तो सबसे पहले गाइज यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे लिखा है योर फुल नेम, तो यहाँ पे आपको ये फुल नेम की जगह में आपको वो वाला आईडी सिलेक्ट कर लेना है जिस आईडी को आप उड़ाना चाहते हो। तो सबसे पहले मैं गाइज मैं यहाँ पे एक आईडी सिलेक्ट कर लेता हूँ, जैसे कि मैं यहाँ पे मेरा ये फ्रेंड का आईडी सिलेक्ट कर लेता हूँ आप लोगों को दिखाने के लिए। तो जैसे कि मैं यहाँ पे तो गाइज जैसे कि आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पे आईडी सिलेक्ट कर लिया। तो आईडी सिलेक्ट करने के बाद गाइज यहाँ पे जो ये नेम है, ये नेम आपको वहाँ पे भरना है। तो मैं सबसे पहले गाइज वो नेम यहाँ पे भर रहा हूँ। तो यहाँ पे भरने के बाद गाइज यहाँ पे दूसरा ऑप्शन है योर कॉन्टैक्ट ईमेल एड्रेस, तो यहाँ पे आपका जो ईमेल एड्रेस गाइज वो आपका ईमेल एड्रेस आपको यहाँ पे भर देना है। तो मैं सबसे पहले गाइज यहाँ पे ईमेल एड्रेस भी दे रहा हूँ, मेरा जो ईमेल एड्रेस है गाइज वो ईमेल एड्रेस मैंने यहाँ पे दे दिया। तो आप लोग देख सकते हैं मैंने यहाँ पे ईमेल एड्रेस भी दे दिया। फिर यहाँ पे लिखा है फुल नेम ऑफ द इम्पोर्सनर, मतलब इम्पोस्टर प्रोफाइल, मतलब ये प्रोफाइल का जो फुल नेम है गाइज, इम्पोस्टर प्रोफाइल का जो फुल नेम है आप लोगों को यहाँ पे देख सकते हैं, ये नेम आपको वहाँ पे डालना है।
तो मैं नेम भी यहाँ पे डाल देता हूँ सबसे पहले गाइस, उर्वशी। तो यहाँ पे डालने के बाद गाइस अभी यहाँ पे और एक ऑप्शन आ रहा है, ईमेल एड्रेस और मोबाइल फ़ोन नंबर लिस्टेड ऑन द इम्पोस्टर अकाउंट। ठीक है, तो यहाँ पे इसका मतलब है गाइस, यहाँ पे आपको ईमेल एड्रेस और फ़ोन नंबर डालना है। अगर ये मतलब जो अकाउंट है, इस अकाउंट मतलब इसके अगर अंदर कोई ईमेल एड्रेस और फ़ोन नंबर है तो वो आपको डालना है। वो ईमेल एड्रेस और फ़ोन नंबर आपको कैसे मिलेगा, यहाँ पे जो सी उर्वशी अबाउट इन्फो मिल रहा है गाइस, ये सबको मिलता है अबाउट इन्फो बोल के, मतलब यहाँ पे आपको हाथ देना है। यहाँ पे हाथ देने के बाद गाइस आपको यहाँ पे ढूंढ लेना है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको फ़ोन नंबर और ईमेल एड्रेस मिल जाएगा। अगर आपको यहाँ पे फ़ोन नंबर और ईमेल एड्रेस आपको यहाँ पे नहीं मिल रहा है तो कोई बात नहीं है गाइस, ये आपको एम्प्टी रखना है। ठीक है, खाली रखना है। तो ये खाली रखने के बाद गाइस आप ही यहाँ पे आप लोगों को और एक ऑप्शन मिल जाएगा, अपलोड योर आईडी। तो मतलब वो जो फेसबुक अकाउंट को आप रिपोर्ट करना चाहते हैं, वो तो उसका ओरिजिनल जो हकदार है वो तो आप ही है ना, तो आपके पास कोई रियल प्रूफ भी होंगे कि वो फेसबुक अकाउंट आपका है या नेम भी आपका है। तो ये उसका जो प्रूफ है गाइस, वो प्रूफ आपको यहाँ पे भरना है। यहाँ पे आपको जो आईडी है गाइस, ये मतलब आपका जो मतलब कोई भी गवर्नमेंट प्रूफ, मतलब आपका वोटर कार्ड, पैन कार्ड, आधार कार्ड, मतलब पासपोर्ट, कुछ भी हो आपको यहाँ पे डाल देना है। ठीक है, ये डालने के बाद गाइस फेसबुक आपको ये जो नाम आप रिपोर्ट करना चाहते हैं उसके नाम से आपको ये जो आईडी आप यहाँ पे सिलेक्ट करोगे वो आपको यहाँ पे मिसमैच करेगा। ठीक है, तो मैं सबसे पहले गाइस यहाँ पे फाइल भी भर लेता हूँ। तो गाइस अभी आप लोग देख सकते हैं मैंने यहाँ पे फाइल भी भर लिया, यहाँ पे फाइल भी भर लिया। भर लेने के बाद गाइस यहाँ पे और एक ऑप्शन आ रहा है कि प्रोफाइल लिंक, मतलब जिस प्रोफाइल को आप रिपोर्ट करना चाहते हैं उस प्रोफाइल का लिंक क्या है। तो लिंक आपको कहाँ से मिल जाएगा गाइस, यहाँ पे जो थ्री डॉट है, थ्री डॉट पे आपको हाथ देना है। थ्री डॉट पे हाथ देने के बाद गाइस यहाँ पे जो एकदम नीचे में कॉपी लिंक बोल के एक ऑप्शन मिल जाएगा, यहाँ पे आपको हाथ देना है। तो यहाँ पे हाथ देते हैं वो जो प्रोफाइल का जो लिंक है गाइस, वो लिंक कॉपी हो जाएगा, फिर वो आपको यहाँ पे पेस्ट कर देना है। तो यहाँ पे मैंने पेस्ट कर दिया। पेस्ट कर देने के बाद गाइस यहाँ पे जो एडिशनल इन्फो वाला ऑप्शन है गाइस, यहाँ पे आपको ये लिखना है इंग्लिश में कि हेलो फेसबुक टीम, कोई मतलब मेरा नाम लेके और मेरा फ़ोटो लेके या मेरा ईमेल एड्रेस लेके कोई एक मतलब फेसबुक अकाउंट क्रिएट किया है, और वो फेसबुक अकाउंट क्रिएट करने के बाद मेरा जो इमेज है वो इमेज ख़राब कर रहा है सबके पास, और मुझे ब्लैकमेल करने की कोशिश कर रहा है, मुझसे पैसा मांग रहा है। ठीक है, तो ये सब आपको एडिशनल इन्फो में लिखना है। तो गाइज ये शायद आप लोग नहीं लिख पाएंगे, तो इसलिए मैं डिस्क्रिप्शन पर आपको लिंक दूंगा, डिस्क्रिप्शन पर आपको मिल जाएगा कि एडिशनल इन्फो में आपको क्या लिखना है। तो एडिशनल इन्फो में वो सब लिखने के बाद मैं सबसे पहले ये सब यहाँ पर लिख लेता हूँ कुछ भी। तो सो गाइज अभी आप लोग देख सकते हैं मैंने यहाँ पे सब कुछ भर दिया, सब कुछ लिख दिया। सब कुछ लिखने के बाद गाइज एकदम आखिर में आपको लिखना है विद रिगार्ड्स बोल के आपका जो नेम है वो आपको यहाँ पे डालना है। तो मैं एक बात और यहाँ पे क्लियर करना चाहता हूँ गाइज कि यहाँ पे जो मतलब ऊपर में जो ऑप्शन है गाइज, योर फुल नेम, योर फुल नेम और आप यहाँ पे आईडी जो दो मतलब यहाँ पे भरपाई करेंगे, तो ये दोनों मतलब सेम होना चाहिए। ठीक है, अगर ये दोनों सेम हो जाए तो सेम होने हो जाने के बाद गाइज यहाँ पे जो सेंड वाला ऑप्शन है गाइज, ये सेंड कर देना है। तो यहाँ पे सेंड कर देने के बाद गाइज क्या होगा, मैं आप लोगों का भी बोल रहा हूँ, ये जो फेसबुक अकाउंट आप मतलब रिपोर्ट कर रहे हैं, तो ये अगर दूसरा कोई बंदा अगर आपके नाम पे या आपके ईमेल एड्रेस पे या आपके फ़ोटो पे वो अपना अकाउंट चला रहा है, तो उसका जो फेसबुक अकाउंट है गाइज वो 100% मतलब बैंड हो जाएगा, क्योंकि वो आपका नेम जो मतलब आपने जो आईडी सबमिट जो आईडी गाइज आपने डाला है, वो आईडी अगर आपने सही डाला है, नाम के साथ मैच मतलब मैच कर रहा है, तो वो जो मतलब फेसबुक अकाउंट जो है गाइज वो 100% फेसबुक अकाउंट रिकवर मतलब डिलीट हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसे करके गाइज आप कोई भी फेसबुक अकाउंट को डिलीट कर सकते हैं, लेकिन ये वाला जो प्रोसेस है गाइज, ये प्रोसेस थोड़ा लेट होता है, आपको 2 या 3 दिन वेट करना है। ठीक है, 2 या 3 दिन वेट करने के बाद वो जो प्रोफाइल है गाइज, वो प्रोफाइल 100% जो है डिलीट हो जाएगा, फेसबुक डिलीट कर देगा अगर आपके आईडी के साथ वो जो रिपोर्ट का प्रोफाइल नेम अगर सेम हुआ तो। ठीक है, उम्मीद करते हैं इस वीडियो अच्छा लगा होगा, अगर वीडियो अच्छा लगे तो एक लाइक जरूर कर देना, और अगर इस चैनल पर नए आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। ठीक है, इस रिलेटेड हर एक वीडियो सबसे पहले देखने के लिए।